आपको नहीं पता क्या रूल है, बैंक को तो पता है ना। आप बैंक में जाकर सीधा ये बोलो मेरी स्थिति नहीं है ईएमआई भरने की, मुझे विकल्प दो। अपनी तरफ से कोई विकल्प नहीं देना, बैंक बताएगा क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। बैंक बताएगा आपको आपकी लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीफाइनेंस कर सकते हैं, आपकी ईएमआई को कम कर सकते हैं, आप कौन सा ऑफर चल रहा है, कौन सी स्कीम चल रही है, आपको कितना लीन पीरियड दिया जा सकता है, ये कौन बताएगा, ये बैंक बताएगा। आप अपनी तरफ से कुछ मत बोलो, आप बैंक को जाकर लेटर दे दो और कुछ नहीं करना, ना वकील के पास जाना ना कहीं जाना, एक प्लेन पेपर भी लिख करके दो अगले महीने से मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, मुझे कम से कम एक साल का समय दिया जाए, या क्या क्या विकल्प है ये दिए जाए। अभी बता रहा हूँ, अगर बैंक आपका लेटर नहीं लेता, कई बार बैंक जाते हैं बैंक लेटर नहीं लेता, तो कोई बात नहीं, बैंक के मैनेजर को वीडियो रिकॉर्ड करो बैंक में अपनी जाते हुए कि देखिए मैं बैंक में आया हूँ, मैनेजर साहब को लेटर देना, मैनेजर साहब लेटर ले नहीं गए, वो वीडियो भेज देना हमें, नौकरी खत्म हो जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि आप कौन हो? आप कंज्यूमर हो, आप उपभोक्ता हो, और उपभोक्ताओं के कंज्यूमर के अधिकार होते हैं। आप कोर्ट जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट, कि मेरी स्थिति खराब थी, मैंने बैंक को बताया था, बैंक ने मेरी नहीं सुनी।